आए थे रियान भाई की शॉप पर, तो काउंटर माशाल्लाह से फुल है बिल्कुल मोबाइल्स के साथ। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स और काफ़ी सारे मोबाइल्स पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीम मोबाइल रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैमसंग गलेक्सी नोट 9। ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फिर जानेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रैम और रोम के बारे में। तो इसमें 6 GB की रैम दी गई है और 128 GB की इसमें बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। वैसे तो ये एक ओल्ड वर्जन मोबाइल है, तकरीबन ये आज से 3 साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन 2022 में भी ये एक बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है सैमसंग का। और इसमें अगर हम बात करें इसके कैमराज की, तो इसके फ्रंट पर 8 MP और इसका जो बैक कैमरा है, मेन कैमरा है, वो है 12 MP का। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें 6.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और सुपर एमुलेट स्क्रीन दी गई है इसमें। तो सैमसंग का वैसे भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले होता है। और फिर अगर हम बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और ये मोबाइल वाटर प्रूफ है। ये तकरीबन 30 मिनट तक अगर इसको हम पानी में रखें तो भी इसमें पानी एंटर नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो अब हम बात करते हैं इसके एस पेन के बारे में। तो इसमें एस पेन येलो कलर का दिया गया है और इसमें ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी दी गई है। इसकी मदद से हम थोड़ा दूर होकर अगर खड़े हों और मोबाइल कहीं और पड़ा हो तो इसकी मदद से हम पिक्चर्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये यूज़ कर रहे हैं इसको, इस पर राइटिंग भी कर सकते हैं। ये अब जिस तरह मैं लिख रहा हूँ फहीम, राइटिंग पर आप ध्यान मत दें। तो ये इसकी मदद से हम पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं और नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो मैं आया था रिहान भाई के पास, तो रिहान भाई बताएं कि ये, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये पीटीए अप्रूव्ड है या नॉन पीटीए? ये पहले भाई नॉन पीटीए है बड़ा। अच्छा, तो नॉन पीटीए क्या प्राइस है इसकी मार्केट में आज? क्या प्राइस? ये बिन पैक ओपन हुआ था, खुद मैंने ओपन किया था, ठीक है। अच्छा, ये मेरे लिए आया था दुबई में से। फिर एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दे दो ये नॉन पीटीए, फिर मैंने उसको दे दिया था। तकरीबन इसकी मार्केट में इस टाइम ये चल रहा है 35 से 36 या 37 हज़ार। नॉन पीटीए। और अगर पीटीए अप्रूव्ड हो तो? पीटीए अप्रूव्ड तकरीबन 60, 65 या 70 है बड़ा। जी सही है। और कंप्लीट बॉक्स के साथ है ये? जी कंप्लीट बॉक्स के साथ है। चलें ठीक। और ये मतलब जब पिन पैक आया था तो ये तब कितने का आया था? ये तकरीबन मेरे ख्याल से आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, काफी ओल्ड वर्जन है लेकिन मोबाइल बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा है। जी जी। तो ये कितने का आया था? पिन पैक तकरीबन उस टाइम अवेलेबल हुआ था 1,30,000-1,32,000 तक। सही, ठीक है, 1,30,000-1,32,000 तक। रिहान भाई के आजकल जिस तरह ये अप्रैल चल रहा है 2022, तो इसमें पीटीए टैक्सेस जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब इन मोबाइल्स, ये जो नॉन पीटीए है, इनका क्या सिस्टम है? ये क्या, ये इनके टैक्सेस दोबारा भरने पड़ेंगे हमें पीटीए अप्रूव कराने के लिए? भाई जो आजकल न्यू मोबाइल आ रहे हैं ना, जैसे कि वो नॉन पीटीए है, वो पीटीए अप्रूव ही आएंगे। जो नॉन पीटीए है उनको हमें खुद को पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा। मतलब जो पहले से नॉन पीटीए है चल रहे हैं उनको पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा लास्ट में। जो न्यू मोबाइल्स अब आएंगे तो उनमें पीटीए अप्रूव होंगे ऑलरेडी। सही है। नोट सीरीज वैसे भी मुझे खुद से, अगर मेरी अपनी पसंद की बात करें तो नोट सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है और नोट 9 वैसे भी बहुत प्यारा मोबाइल है। इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हमने आज जिस मोबाइल का रिव्यू किया था वो था सैमसंग का गलेक्सी नोट 9। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।